हत्या हुई थी उसमें सारे मुख्य अभियुक्त सोनभद्र पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिए हैं। इसमें 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें मुख्य अभियुक्त यज्ञ दत्त, उसका भाई धर्मेंद्र, निधि दत्त, देवदत्त, इनके भतीजे गणेश, विमलेश, इनके साथ 5 लाइसेंसी असला भी बरामद कर लिए गए हैं। इसी के साथ जो घटना में जो गांव वालों को जमा कर करके लाए थे, इसी 6 ट्रैक्टर पे रोक किए गए थे, ये सभी 6 ट्रैक्टर पुलिस के द्वारा सीज कर लिए गए हैं और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य अभियुक्त गाँव का प्रधान है, अपने दबंगे के बल पर ये वहाँ के लोगों से जो काबिज थे उस ज़मीन पर उसका कब्जा लेने का प्रयास करने के लिए ये लोग योजना बनाकर गए थे और जब वो लोगों ने विरोध किया तो ताबड़तोड़ इन लोगों ने फायरिंग की वहाँ पर। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तत्काल मौके पर पुलिस डायल 100 के माध्यम से पहुँची और अन्य थाना और पुलिस वहाँ पहुँची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। उसी के बाद FIR दर्ज करते हुए 28 लोगों को नामजद और 50 अन्य अज्ञात के विरुद्ध पीड़ित लोगों की तरफ से FIR दर्ज की गई जिसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए ये गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस अधीक्षक होने के नाते अपनी पूरी जनपद की टीम को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और तत्काल की गिरफ्तारियां करने के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ और पूरी टीम को 25,000 रुपये इनाम घोषित करता हूँ।